व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जितिन मोटोलॉग्स। तो कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर फाइन। तो ये लगी हमारी डीमन और ये लगी है हमारी होपफुली वही चुलगोजी बाइक। अभी तक तो इसने अपनी बाइक का कोई नाम नहीं रखा है, तो आज हम कराने जा रहे हैं इसके अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन। जो इसने पीछे टेल टायरी है ना, इसको भाई इसकी बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी इससे, तो ये यहीं से आज इसे कटवा देगा, क्योंकि इसमें भाई रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं आता। क्योंकि देखो ये दो कॉम्पैक्ट है, वो क्या है कॉम्पैक्ट कह रहा हूँ, ये दोनों एकदम जॉइंट हैं, तो ये यहीं से कटवा के इसके अंदर यहीं पर लगवा देगा टेल टायरी, जहाँ तक फोल्ड वाली नहीं लगेगी, ऐसी लग जाएगी। इसे इसी चीज़ का डर है कि भाई कैसी लगेगी, क्योंकि ऐसी नहीं। लेट्स बिगिन। हाँ मेरी जान, क्या क्लोज कॉल दिया। ओ भयंकर अंधा है क्या, लाउड है। जतिन मोटो लोग ले ले। अभी हमारे ब्रेस भाई पता नहीं कितने मिटने वाले थे। देखो देखो, हाँ मर जाए वो, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आज क्या मौसम हो रहा है ना भाई, मजा आ रहा है राइड करने में। देख रहा हूँ बारिश जैसा मौसम हो रहा है, वो भाई बारिश जैसे मौसम में राइड करने का जो मजा है ना भाई, बस नेक्स्ट लेवल। देख रहा सिटी राइड भाई, फेवरेट है मेरी सिटी राइड, देखना भी करना भी बहुत ज़्यादा भाई। थोड़ी थोड़ी बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई भाई, ऐसा मौसम बढ़िया लगता है, बस बारिश बढ़िया लगती है मुझे। भाई आज इतनी क्याड़ी हवा चल रही है ना, बोले हो कैसे बकरा पी। ओहो वहां पे देखा था तुमने, सबकी फेमस स्कॉर्पियो। देख रहा हूँ तो क्या ले रहा है ये भाई, नेकेड से भाई इसमें चीजों में बहुत मजा आता है। देखियो अपनी क्लोज कॉल भाई, फिर प्ले फातीगंज पे देखिए, मैंने भी अपनी टेल टाइटी लगाई थी, तब ये भी लगवाएगा। भाई इस बारिश भी स्टार्ट हो गई थोड़ी थोड़ी, तो गाइस देख लो यहाँ पे अपनी बाइक का काम तो स्टार्ट हो गया है। अभी भैया यहाँ से ट्रेल नहीं, अभी तो भैया यहाँ से पेज खोल के आगे लगाएंगे। भाई तूने वो क्यों नहीं लगा रखी, क्या रिपीट वाली टेप वो लगाया कर, नंबर प्लेट बोले यहाँ पे लगी हुई अपनी डीमन। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो रही है इसलिए हम बाहर भी नहीं खड़े हुए, ये अपनी डीमन देख रहे हो कितनी मस्त लग रही है, अलग ही लुक से यार नहीं बाइक के रहे। यहाँ पे अपनी इस बाइक का काम देखते हैं। अभी तो यहाँ पे हो रहा था काम, और वहाँ पे देखो ये लगी हुई हमारी KTM आर्स नहीं ड्यूक 125 भाई, लुक्स वाइज तो बहुत बढ़िया लग रही है। बस यही यार 125 सीसी सेगमेंट है। अगर यहाँ पे करा था अपनी टेल तो हमने कटवा दी, अब यहाँ पे भैया सुराख करके अभी यहाँ पे अपनी टेल टाइट लगा देंगे। बस इसमें यार एक डिसएडवांटेज है, जब मर्जी है मोड़ नहीं सकता, जहाँ पे लग गई वहाँ पे हमेशा के लिए लगी गई, अभी मोड़ नहीं सकता। जैसे मैं तो पीछे फोल्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये नहीं फोल्ड कर सकता। अभी हम ये मडगार्ड भी हटा देंगे, जिससे और बेहतरीन लगने लगेंगे इसके लुक्स, जो अभी भैया ने पूरी खोल दी है। तो गाइस देख लो अपने हम टेल टाइटी तो कटवाई ली, और भाई क्या मस्त लग रही है। अभी देख लो, अभी तो इसमें सीट वगैरह लगाते हैं अभी हम,
अब ये मडगार्ड भी हटाएगा, पता नहीं ये मडगार्ड हटाएगा तो घर पे कैसे लेके जाएगा, अभी देखते हैं ये कैसे अपना मडगार्ड घर पे लेके जाएगा। भाई जो बात है बढ़िया लग रही है भाई, नेकेड सीरीज में अगर टेल टाइड हट जाए ना, ऑसम भाई, बिल्कुल ऑसम। और ये लगी हुई अपनी डीमन भाई, इसकी तो अलग ही इशू है। ये मैंने मडगार्ड अभी लगा दिया था क्योंकि बारिश ज़्यादा पड़ रही थी, अभी आज भी बारिश हो रही है, क्योंकि चढ़ उछल के भाई पूरी बाइक गंदी कर देती मैं। देख भाई टेल टाइट हटाने में सेक्सी तो बहुत लगती है, देख लो बिल्कुल बैड व्यू बेहतरीन लग रही है, लेकिन भाई यही है कि ये सारा कीचड़ों के पीछे आ रहा है। देखो यहाँ तक आ गया, अगर मैं अभी आगे तक भी आ जाएगा अगर मैं और तेज चलाऊंगा तो, देख लो अभी बाइक धुला के लाया था पूरी बाइक गंदी हो गई। अब क्या कर सकते हैं, अभी देखना बैग, देखना मेरा कितना और कितना गंदा हो गया। ये देखो बैग, ये बैग लेके गया था, इसके अंदर गिम्बल गया था, ये देखो बैग कितना गंदा हो गया भाई। टेल टाइट मैं सोचूंगा अभी बारिश बारिश के मौसम मडगार्ड लगा लो। मैंने एक दिन में दो दो तीन तीन बार धुलाई है भाई, इसलिए मैंने मडगार्ड हटा फिर से लगा दिया, अभी घर पे आके वो भी हटा देंगे अगर बारिश कम हो गई तो। अभी हमने करा लिया था नेकेड का टेल टाइट का पूरा वर्क, भाई देख लो क्या मस्त लग रही है ना पीछे से भाई, ऑसम लग रही है भाई। इसने अभी मडगार्ड भी हटा लिया, मडगार्ड में पता नहीं क्या हो गया था इसका, अभी इसने वेल्ड करवा करवा के हटवाया, जैसे भी हटवाया भाई देख लो कितनी मस्त लग रही है भाई। इसके अंदर भाई हम वैसे फोल्डेबल वाली तो लगवा नहीं सकते थे, तो हमें इसमें कटवाना पड़ा, हमने कटवा लिया। इसके अंदर तो हमने कटवा इसके अंदर तो हमने चेंज ही करवाया था, इसमें मडगार्ड भी लग रहा है, अभी हम घर पे जाके वो रिमूव करेंगे, क्योंकि अब तो विदाउट मडगार्ड ही बढ़िया लगती है भाई। बारिश भी खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट भाई, बारिश भी अब गर्मी में कहीं पड़ती है तो नहीं, देख लो भाई दोनों बीच क्या मस्त लग रही है ना। और यहाँ पे खड़े थे भैया कुछ, दोनों बाइकों को देखने के लिए आए थे, देख लो यहाँ पे भैया बाइकों को देख रहे थे, भैया को भी बहुत बढ़िया लग रही थी आरसी भाई। कहने लोग कहते हैं कि यार बेकार हो गई आरसी, और यहाँ पे देख लो लोगों को देखते ही पसंद आती है। चलो मिलते डायरेक्ट रोड पे घर पहुँचते हैं। देख लो मडगार्ड तो जैसे तैसे बेल्ट करवा के निकलवा लिया, अब हमारा टास्क है इसे घर कैसे लेके जाएं। और देखो जैसे भी तैसे निकालेगा है, अब देखते हैं, हम बैग में तो रख लिया हमने, अब ये राइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा कुछ नहीं पता भाई, तभी कहीं और की जगह से मेरठ में सिटी राइड करना ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे गलती करने वाले की गलती नहीं होती, सीधी चलाने वाले की गलती होती है। तो गाइस अभी तो हमने अपनी बाइक की टेल टाइट कट करवा ली है, और अभी वो धीरे धीरे चलाता हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी उसने मडगार्ड भी अभी हटवा लिया है, और अगर ये मडगार्ड अभी नहीं हटवाता तो हमारे घर के पास कहीं भी नहीं हटता ये मडगार्ड, क्योंकि ये पता नहीं कैसे इसने बेल्ट वगैरह करवा के इसने हटवाया मडगार्ड। ये रहा देखो पीछे लगा रखा है इसने मडगार्ड, देख रहे हो क्या सेक्सी लुक आ रहा है ना भाई, ड्यूक के हो बस क्या ही बताऊँ। जो बाइक के लोग सामान आते ना आते होंगे ना पीछे से इसके कैमरे में, पीयूष के कैमरे में, वही अब मुझे आ रहा है मेरे कैमरे में इसकी बाइक के लुक्स, बहुत औसम आ रहा है देख लो भाई टेल टाइड हट जाने के बाद। बस में यही एक डिसएडवांटेज है भाई, ये पीछे नहीं कर सकता टेल टाइड वापस, मतलब नंबर प्लेट मोड़ नहीं सकता बार बार, हमारे में तो एडजस्टेबल है नंबर प्लेट, लेकिन इसके में ऐसा कोई सीन नहीं है, इसके में ऐसी रहेगी। ओ गाइस आज बहुत ज़्यादा थक गए, 3 बजे हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। और आज का मौसम भाई मोहब्बत है इस मौसम से, तो इतना ठंडा मौसम देख रहे हो गाइस क्या मस्त क्या लग रहा है भाई, इसका शायद 150 टू 160 आता है कंपनी फिटेड, ऐसा लग रहा है उससे ज़्यादा बड़ा ब्रॉड भाई बहुत, जैसे आफ्टर मार्केट करवाया हमने लगवाया हूँ ऐसी भाई, हमारी बाइक के लुक्स आते होंगे पीछे से। ऐसे मौसम में भाई रैक राइडिंग का अलग ही मज़ा है, धूप में तो थोड़ा कम ही मज़ा आता है इसलिए हम शाम को भी निकलते हैं कई बार, लेकिन भाई ऐसे मौसम में तो बस ओहो ओहो लौंडे कट तो देखो भाई बहुत प्यारी लग रही है, मुझे पता नहीं कि इस बाइक से नज़रें नहीं हट रही, पता नहीं अब पता है ब्रेंस के पीछे पीछे इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ नहीं पता है, क्या पता इसका मडगार्ड ही निकल जाए, इसलिए भाई पीछे पीछे चल के इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्या पता मडगार्ड ही निकल जाए और ये उसका वेट करने पीछे रह जाए और हम आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो जाए। भाई बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए यार इसमें तो, 7.5 रोड पे तो है ना, पहले 7.5 रोड पे ऐसे गड्ढे नहीं थे।
भूल ना जाना। मरना है क्या भोसड़ी के? आई एम सॉरी बाबू। कहाँ आ रहा गांडू? तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से। तबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए पास। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।